सदा मुबारक। ये घड़ी आई है तो बोलना तो बनता है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी मेरी दर्शन को दुनिया चली आ गई है। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे जिसको ये माँ का दरबार अच्छा लग रहा है, जो इस दरबार को सच्ची सरकार मानता हो वो दोनों हाथ उठाएंगे। और कुर्सियों वालों, आपके लिए मुझे बड़ी एक अच्छी बात ध्यान आई है, सुनिएगा। कहते हैं बोले सच्चे दरबार की जय। देखिए जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके लिए कहना चाहूंगी, सबसे पहले कहते हैं के बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार देती है, बिगड़ी सवार देती है और मुसीबत आने पर अपनी जिंदगी भी बच्चों पर वार देती है। और यकीन ना हो मेरी बात का तो आजमा लेना माँ को, अरे ये तो वो माँ है जो अपने बच्चों को जिंदगी भी उधार। और एक बार वो भक्त हाथ उठाएं जिन्हें घमंड हो, बाबा जी को घमंड है, दादाजी किस बात का घमंड है? देखिए ऐसे ही हमारा कल प्रोग्राम था हमारे क्षेत्र में बुलंदशहर में, तो मैंने सभी भक्तों से पूछा कि एक बार वो हाथ उठाएं जिनको घमंड है। तो एक भैया जी थे, सबने हाथ नीचे कर लिए लेकिन उन्होंने हाथ नीचे नहीं करे। मैंने उनसे पूछा कि भैया किस बात का घमंड है, तो भैया ने बड़ी सुंदर बात बोली कि भैया कि बहन जी मेरे पास दो फोन है, मुझे इस बात का घमंड है। देखिए अरे ये शरीर साथ नहीं देता, ये शरीर हमारा खुद का नहीं है, पता नहीं कब साथ छोड़ दे, तो वो फोन कब तक चलेंगे वो भी किसी और की अमानत है। लेकिन दुनिया कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि घमंड करना बहुत गलत बात है, लेकिन मेरे गुरु की शिक्षा है कि घमंड अपने गुरु पर, अपने माता पिता पर और अपने भगवान पर सदैव करना चाहिए, हमेशा गुरूर करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं हम फूल बनकर हवाओं से उड़ते हैं, कि हम फूल बनकर हवाओं से उड़ते हैं और हम खुशबू बनकर पहाड़ों से उड़ते हैं। और कह दो उन कैंचियों से कि बंद करे काटना, क्योंकि हम परों से नहीं इस माँ की कृपा से उड़ते हैं, इस माँ की कृपा से उड़ते हैं। तो एक बार उठा लो दोनों हाथ सीधे सीधे जिसको इस माँ पे भरोसा है, और ताली लगा कर कहेंगे माँ। एक बार मैं बोलूंगी और एक बार आप लोगों को बोलना है,
मैया का दरबार सुहाना लगता है, मैया का। आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो कुर्सी वालों। भक्तों का तो दिल दीवाना, भक्तों का तो दिल दीवाना। क्या बात है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भावना में भावना, और वो भावना बेकार है, और जिस भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो बब से बेड़ा पार है। एक बार आप बोलो, मैया का दरबार सुहाना, भक्तों का तो दिल। क्या बात है, देखो मुझे ये एकता देखकर एक बात बड़ी सुंदर ध्यान आई है, सभी ध्यान से सुने। और देखो यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे ताऊ जी, भैया जी, अंकल जी, सभी ध्यान दें। कहते हैं कि कांटों में भी कमल खिला देंगे, कांटों में भी कमल खिला देंगे। और हाँ, अगर बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर देना इस बच्ची को। कहते हैं कि भैया बात सुन लो पहले तब बजाना। कहते हैं कांटों में भी कमल खिला देंगे, अरे कांटों में भी कमल खिला देंगे, और कीचड़ में भी पुष्प उगा देंगे। अरे यूं तो हम हिंदुओं में एकता नहीं है, यूं तो हम हिंदुओं में एकता नहीं है, वरना अयोध्या में क्या पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देंगे, पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देंगे। तो उठा एक बार दोनों हाथ, उठा लो जी दोनों हाथ। हो मैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बात
क्या बिगाड़ेगी उसे दुनिया की ये उलझन, क्योंकि जिसके ऊपर इस मां का आशीर्वाद हो उसका दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कहते हैं जागो राखे साईया मार सके ना। अगर इस मां का आशीर्वाद है दुनिया बाल बांका नहीं कर सकती, और अगर इसका आशीर्वाद नहीं तो चाहे तुम कितनी मेहनत कर लेना मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या बिगाड़ेगी उसे दुनिया की ये उलझन, नाम तेरा जप रही है जिसकी हर धड़कन 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 को खत्म मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे संगत कितनी बैठी है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आनंद फुल आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पर भक्त नहीं थे तो आनंद नहीं आया, लेकिन अगर चार लोग भी बैठे और भाव हो उनके अंदर तो पूरी 1000 पब्लिक को फेल कर देते वो चार भक्त। तो इसीलिए भाव लाइए अंदर, भाव से बोलिए मैया का दरबार सुहाना, पीछे से थोड़ी आवाज नहीं आ रही, मैया का दरबार सुहाना भक्तों का तो दिल। क्या बात है, एक बार उठा लो दोनों हाथ, क्योंकि कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं कि फलों के रस को जूस कहते हैं, फलों के रस को जूस कहते हैं, और जो ना बजाए मेरी मैया के भजनों में ताली उसे सबसे बड़ा जूस कहते हैं। तो उठा दो ना हाथ, उठा दो ना हाथ, जो जो कंजूस है सारे कंजूस बैठे, अब वो दोनों हाथ उठाइए जो कंजूस नहीं है, उठाओ थोड़ा हाथ, क्योंकि कहते हैं बिना प्रकाश की उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता, और जो ना बजाए मेरी मैया के भजनों में ताली वो मेरी माँ के नाम का दीवाना।